नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं श्रद्धा चांपानेरी आप सबका क्राइम कवरेज में स्वागत करती हूं। मैं आज एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आई हूं, जिन्हें देखकर हर माँ बाप हर बच्चे अपने बारे में सोचने लगेंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और उनका भविष्य उज्जवल बने, चाहे फिर वो गरीब हो या फिर अमीर हो। लेकिन अगर कुछ गफलत हो जाए तो बच्चों का सुनहरा भविष्य किस कदर अंधेरे कुएं में खो जाता है, आइए देखते हैं। रे गोपाल, क्या कर रहे हो? तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ माँ, वही तैयारी कर रहा हूँ, एक नोट्स नहीं मिल रही। गोपाल, इस बार ये बेदरकारी नहीं चलेगी, तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड है। इस साल पे तुम्हारा भविष्य अटका हुआ है, अगर इस साल तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता मैं समझ लूंगी मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, यही कहना चाहती हो ना माँ? मैं कितनी बार सुन चुका हूँ। चल उठ, अब जा। माँ अगर कुछ पैसे हो तो? कल ही तो दिए थे बेटा 100 रुपए। माँ आप ही तो सिखाती हो ना कि किधर खा पी के बैठना नहीं है, कल मेरी बारी थी तो सबको नाश्ता करवा दिया। अच्छा ठीक है, ले। और हाँ सुन, अपने पैसे वाले दोस्तों में कम उठा बैठा कर, ठीक है माँ। अबे जाजा, वो तो थर्ड क्लास मूवी थी, इससे अच्छी तो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी थी। सही है, हिंदी मूवी तो वैसे ही बकवास होती है। तेरी तरह बकवास तो बकवास होती तो है, तू तो मैक्स के अनसॉल्व क्वेश्चन जैसा है जिससे हर कोई दूर भागता है। देख तो आज भी नहाया नहीं है। पानी बचाओ, साबुन बचाओ और चमड़ी भी, वरना 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 घिस घिस के पतली हो जाएगी। तभी इतनी मोटी है। हाय गाइस, आज थोड़ा लेट हो गया। ओ हीरो, आज इतना लेट कैसे? तेरी तो करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूँ, बस से आना पड़ता है, तेरी तो बाइक लेके नहीं उड़ता। तो अखबार में इश्तेहार छपवा दे, चाहिए चाहिए चाहिए, एक सस्ती और सेकेंडरी बाइक चाहिए। अरे नहीं रे, एक करोड़पति बाप चाहिए। यार सोच समझ के बोला कर। सॉरी यार गोपाल, वो सुबह एक जॉइंट ज्यादा मार लिया था और साला माल भी कड़क था, दिमाग सुनसा हो गया है, सॉरी यार। इट्स ओके, अगली बार ख्याल रखना। हाँ इसी बात पे चाय हो जाए। चलो चलो। एक तरफ गरीबी की मार और दूसरी तरफ अच्छे स्कूल के पैसे वाले दोस्त, स्वाभाविक सी बात है ये। ऐसे माहौल में रहने वाले बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हो ही जाता है। ना वो लोग गरीबी को हंसकर गले लगा सकते हैं और ना ही वो लोग आजू बाजू के माहौलों में खुद को डाल सकते हैं। हाय बाय। ओ आइंस्टाइन के 12वें अवतार, किताबें छोड़ और दोस्तों को पकड़। उनको तो पकड़े हुए ही है, इनको भी पकड़ना जरूरी है। अगर किताबों ने हमको छोड़ दिया तो हमको कौन पकड़ेगा? कोई नहीं। हमको तो ये पकड़ेगी। हाँ वो तो दिख ही रहा है। यस मॉम। ओके मॉम। ओह माय गॉड, नया आईफोन, इट्स माय ड्रीम यार। कब लाया? कल रात को ही। हाँ तू ला सकता है। करोड़पति बाप की औलाद ने बाप के पैसे से नहीं खरीदा है तो? बेटा खुद की कमाई का है, क्रिकेट बैटिंग। अरे चरस और गांजे की आदत थी, अब इसकी भी डाल दी। लगता है स्वामी तुलसीदास जी की रामायण आईफोन पर अटक गई है। रख लो स्वामी जी, आज से इसके मालिक आप है। सच में रख लू? बोल तो दिया, चलो इसी बात पे तालियां। तालिया। अरे गोपाल चल खाना खा ले। अरे ये क्या है? क्या माँ, आप भी आंखों वाली अंधी बन रही हो, मोबाइल है। मेरा मतलब किसका है ये? मेरा है, आईफोन। तेरे पास कहाँ से आया, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की ना? क्या मम्मी, आप भी मैं चोर हूँ? तू चोर तो नहीं, पर तू तो नहीं खरीद सकता ना? हाँ पर मगर मुझे कोई गिफ्ट तो कर सकता है ना? किसने किया? दुग्गल ने। दुग्गल? कौन दुग्गल? झूठ मत बोल। ठीक है कल उसे घर बुला, मुझे उससे मिलना है। ठीक है बुलाता हूँ, मुझ पर तो भरोसा होगा ही नहीं। मैडम मैं फिर से कसम खा के कहता हूँ, हमें सच में कुछ नहीं पता। मैडम हम तो ऊपर जाते ही नहीं, खास करके आपके और साहब के कमरे में। एक छोटी रकम नहीं है सूरज, पूरे 50,000 थे तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह।
हम इतने साल से काम कर रहे, आज तक क्या कभी ऐसा हुआ? इसलिए मैं कोई कदम नहीं उठाती। हेलो, हाँ गोपाल बोल। अच्छा, ओह आंटी को बोल उसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। क्या मुझसे मिलना है? हाँ ठीक है, कल आऊँगा घर। हाँ सुबह आ जाऊँगा। ठीक है, चल बाय। जिसने भी पैसे चुराए है कबूल ने में शर्म आती है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी। रात को चुपचाप इस टेबल पे ऐसे छोड़ जाए वरना कल सुबह मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। पुलिस अच्छे अच्छे से सच उगलवाई लेती है, आखिर पता चल जाएगा चोर कौन है। कौन? तुगल। आजा भाई। क्या हुआ बोल? वो मुझे कुछ कहना था। क्या? वो हाँ बोल। क्या हुआ दुग्गल? वो मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोल। वो पैसों के मामले में मम्मी को बोलना कि पुलिस केस ना करे। आखिर पता तो चलना चाहिए इतनी बड़ी रकम चोरी कैसे हुई। लेकिन तू इतनी सुबह सुबह ये बात बताने मुझे क्यों आया? वो मैंने सुना है कि पुलिस वाले बहुत मारते हैं और पापा को पता चला तो। यानी कही तूने तो? आई एम सॉरी ध्रुवी, तेरी कसम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मम्मी को बताना, मेरी मदद करना। चल। मम्मी आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो 50,000 रुपए के बारे में। 50,000 रुपए के बारे में? हाँ, वो पैसे भाई ने ही लिए थे। ओ माय गॉड, अपने ही घर में चोरी। ओ मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, मम्मी प्लीज, वो पापा आएंगे तो। तुझे क्या जरूर पड़ी इतनी बड़ी रकम की, सच बता। मम्मी वो मेरा दोस्त है ना गोपाल, मैंने उसको दिए। क्या? कल वापस ले आ। नहीं ला सकता मम्मी, एक्चुअली उसको अगर मैं पैसे नहीं देता तो उसका साल खराब हो जाता। उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए मैंने उसको पैसे दिए और आप जानती तो है कि वो लोग गरीब। इतने अच्छे काम के लिए चोरी करने की क्या जरूरत? तू मांग भी तो सकता था। और उसके माँ कैसी औरत है? तेरे जैसे छोटे बच्चे कोई ये भी नहीं पूछा कि इतने पैसे तू लाया कहाँ से? मैं कल ही जाके उनसे मिलती हूँ। नहीं माँ, आपको मेरी कसम आप उनसे नहीं मिलेंगी वरना हमारा खराब दिखेगा। क्या मतलब? वो मैंने गोपाल की मम्मी से झूठ बोला था कि स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे आपने ही भेजे थे। अरे आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ, आपकी कसम प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, एक बार हमेशा याद रखना तूने मेरी कसम खाई है। बेटे ने बोल दिया कि ऐसी गलती वापस नहीं करूंगा, पर भरोसा करके उसकी पहली गलती पर पर्दा डालने की गलती श्रीमती नैना शर्मा ने कर दी। और बोलते हैं ना, दौड़ना था और ढलान मिल गई, ऐसी कुछ चूक हो गई। जी किसका काम है? जी जी दुग्गल का। कौन दुग्गल? जी मैं दुग्गल। किससे काम है? जी गोपाल का। ओ गोपाल, अरे वो तो नहा रहा है, आओ। आंटी उसने कल बोला था कि आपको मुझसे मिलना है। तुम वही हो फोन वाले? जी आंटी। बैठो। अरे गोपाल, तुम्हारा दोस्त दुग्गल आया है। हाँ माँ, बिठाओ। दुग्गल, ये जो मोबाइल गोपाल के पास है वो तुमने ही दिया है? तुम्हारे मम्मी पापा पूछेंगे तो? वो नहीं पूछेंगे आंटी, क्योंकि पहले उनसे पूछ लिया था फिर ही गिफ्ट किया था। अच्छी बात है, पर मैं ये चाहती हूँ कि गोपाल को इतनी महंगी चीजों की आदत न पड़ जाए। तुम देख ही रहे हो हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है। आदत नहीं पड़ रहा हूँ आंटी,
क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट नहीं दे सकता? दे सकता है, पर जब उसकी बारी आई और वो नहीं दे पाया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? बुरा लगे तो लगे, माय फुट। या बेटा, पैसे हमेशा रिश्ते बिगाड़ते हैं। आंटी, सुदामा कृष्ण से मिलने तांदूल लेके गए थे, रिश्ता खराब हुआ था। हम दोनों आज के कृष्ण सुदामा हैं। और कैसा चल रहा है? बस बढ़िया। पूरे दिन धूप में घूमते रहोगे तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। तबीयत खराब हुई तो अच्छा हुआ ना, आपका प्यार और आपकी डांट दोनों मिला। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, क्लासेस में क्यों नहीं आया? अरे वही आ रहा था, लेकिन थोड़ा सर में दर्द हुआ तो यहाँ आ गया। मम्मी, इसे ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। ये जलता है आंटी। मम्मी, इसकी सेवा छोड़ो और खाना लगाओ। बेटा, आज तू कुछ भूल रहा है क्या? मेरे पाँव दबाना। बेटा, मैं तो सुबह से वेट कर रही थी। बोल भी दो माँ। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आंटी। और ये गोपाल की तरफ से। साला एक पैसा नहीं मिल रहा है, घर में है नहीं या मम्मी ने जगह बदल दी। हैप्पी बर्थडे डियर आशा। हाउ स्वीट, मेरे लिए है। कितना खूबसूरत है। आपके जितनी नहीं। चल बदमाश बच्चे। ऐसा ही हो। जैसे भी हो, बहुत प्यारे हो। आंटी, लव यू। आंटी नहीं, आशा। यार मैं तो मर जाऊंगा। पहले सोचना चाहिए था ना। पहले की बात छोड़ो, अब आगे क्या करना है? मैं बोलता हूँ घर पे सब सच बता देना चाहिए। पागल है क्या? इसका बाप हिटलर है। हिटलर मेरे साथ मेरी माँ को भी। कहीं से तो पैसे ला के देने पड़ेगा ना यार। हमारी उम्र देके कौन देगा 20 लाख? हमें तो कोई 500 रुपए से ज्यादा उधार भी नहीं देता। ऐसा पागलपन क्यों चढ़ा यार तेरे दिमाग में? आज तुम सुबह मुझे ये समझाने बैठे हो, और कल जब मेरे ही पैसे जल से चलते थे तब तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा था। हमें थोड़ी पता था तू क्रिकेट का सट्टा खेलता है। अरे इस बात को छोड़ और आगे क्या करना है उस बारे में सोचो। यार 20 लाख मामूली रकम नहीं होती, जरा सोचना तो चाहिए था ना। पहले मैं जीतता गया, फाइनल में हार गया। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो वो लोग बहुत खतरनाक है यार। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक तेरा बाप है। पैसा का क्या होगा यार? अब तो बस मेरे पास एक ही रास्ता है, सुसाइड। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है। एक काम करते हैं, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के बेटे को किडनैप करते हैं। अरे 20 लाख तो चुटकी बजा कर दे देंगे। चुप कर यार। यस, ये हो सकता है। दिमाग ठिकाने पर है तेरा? दिमाग ठिकाने पर ही आया है। तुम लोग मेरा ही किडनैप कर लो, 25 लाख मांगना, प्रॉब्लम सॉल्व। पर जरूरत तो 20 लाख की है ना यारो। मैं तुम्हारे भी सोच रहा हूँ। ओके डन 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 डन। क्या आप लोग जो भी हो, पहले मेरे बेटे दुग्गल से बात करो। मेरे बेटा दुग्गल, तू डर मत। बेटा दुग्गल, तू कहाँ है? तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। क्या सोच रहे हो, पैसे का इंतजाम करो। लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। कादे और डुगल को मार डाले, कैसे बाप हो आप? आप बस भी करो यार, डुगल की मुझे भी करे, वो मेरा बेटा नहीं है। मैडम की बात मान लो साहब, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं।
साहब भगवान न करे वह पुलिस से चूक होए तो। काश मिस्टर शर्मा ने अपना डिसीजन ना बदला होता और पुलिस में जाके इन्फॉर्म किया होता। यहाँ यही गलती हो गई थी। फोन डुग्गल के मोबाइल में से किया गया था। अगर उसी वक्त पुलिस में इन्फॉर्म किया होता तो आज वहां तक पहुंच सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन कॉल नहीं आया, तीसरे भी दिन कॉल नहीं आया और आखिर में मिस्टर शर्मा ने पुलिस में जाके सारी बात बताई। यानी अब तीसरा दिन है और आपके बेटे का फोन अब तक नहीं आया। सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट मिस्टर शर्मा, अगर कोई फोन आता है तो आप हमें इन्फॉर्म करे बिना कुछ नहीं करेंगे। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी। अरे अभी तो मैं, अरे पापा मैं आपके बाद में बात करती हूँ। ओ भैया उठो। अरे अब मैं क्या करूं? हाँ अरे उठाओ फोन। हेलो पुलिस, यहाँ जंगल में एक लाश पड़ी है, यहाँ शहर के पास वाले जंगल में। आपने ही फोन किया था? हाँ मैंने किया था फोन। कहाँ पर है लाश? जी आपको मैं बताती हूँ। सर खून, लगता है किसी ने पत्थर मार के इसकी पूरी तरह से हत्या की है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? सर मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने लाश देखी। इनको बाहर छोड़ के आओ, नाम नंबर पता सब। ओके सर। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पुलिस के लिए ये केस ज्यादा पेचीदा न था, एकदम सीधा था। पुलिस ने मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया और सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई। तब पता चला कि दुग्गल के दोस्तों का नंबर उस वक्त उसी जगह पर इशारा कर रहे थे। बस सर, मुझे जितना पता था मैंने कह दिया। उसके बाद मैं उन लोगों के साथ नहीं था। और कौन कौन आया है? सर लड़कों के पूरी गैंग है और इन सबके पेरेंट्स भी साथ में है। सब लोग को अंदर ले आओ। यस सर। देखो तुम्हारे इस दोस्त ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब सीधे तरीके से बताओगे या पुलिस की तरीके से तुम्हारी जबान खुलवाऊं? सर हम तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहते थे। सर दुग्गल, वो दुग्गल बेझिझक होके बताओ। सर ये पूरा प्लान दुग्गल का ही था। 25 लाख मांगना, प्रॉब्लम सॉल्व। पापा पापा ये लोग बहुत खतरनाक है, ये लोग मुझे मार डालेंगे पापा। पा ये जैसा बोलते वैसे ही करो पापा। अभी एक लड़के को मेरे सामने मार डाला। चलो 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 चलते हैं। चल हाँ हाँ पक्का, शाम को लेके आता हूँ। ये क्या हुआ? हुआ नहीं, करना पड़ा। पागल हो गया तू? अगर नहीं करता तो हम सब फंस जाते।
और अचानक नसड़ी बोलने लगा कि मैं पुलिस को जाके सब बता दूंगा, हम सब फंस जाते। तो अब कौन सा बचने वाला है? अब मर्डर केस में फंस जाएंगे और तेरी वजह से हमें फंसना नहीं है। सर, इसके आगे हमें कुछ नहीं पता। तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? सर, हम डर गए थे। और गोपाल कहाँ है? सर, नहीं पता। पंछी दाना चुपने जरूर आएगा, जाल बिछाओ। अरे गोपाल तू? हाँ माँ। पगले तुमने ये क्या कर डाला? तुझे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुमने कभी अपने बेटे का ख्याल रखा? क्या किया है मैंने? और कितना झूठ बोलोगी माँ? मुझे क्या पागल समझ रखा है? तुम्हारे गले में सोने की चेन कहाँ से है मुझे नहीं पता? क्या कह रहे हो बेटा तू? कितनी बोली भरोगी? पिछले संडे आपको भ्रम था कि मैं क्लासेस गया हूँ, लेकिन मैं यहीं था, आप दोनों पे नजर रख रहा था। उसी दिन मैं तय कर लिया था कि सलाम को मैं चांद से बांधूंगा, बस मौका तलाश रहा था। बेटा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। नहीं, तूने अपनी आवाज और पैसे की भूख मिटाने के लिए किया था। मैं तुमसे दुग्गल से हजार गुना ज्यादा नफरत करता हूँ, वो तो पता था, लेकिन तुम तो मेरी माँ थी। लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर अवस की पुचान दिखाई दे रही है। ऐसी माँ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर गोपाल, जा भाग जा यहाँ से, भाग जा गोपाल। गोपाल, यू आर अंडर अरेस्ट। बस यही अंजाम आया, हद से ज्यादा छूट देने का ये नतीजा। अदालत ने गोपाल को बच्चों के जेल में भेज दिया और उसे 5 साल की सजा हुई। बेटे की आंख में इतनी नफरत को देखकर आशा ने आत्महत्या कर दी। तो इस वाक्य से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप को पारदर्शक कांच की तरह रखना चाहिए। अगर जरा से भी चूक आ गई तो सब चकना चूर हो जाता है। तो मैं श्रद्धा चापानेरी आपसे विदाई लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।